तो दोस्तों अभी मस्त सुबह सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के 6:30 बज रहे और मैं निकल गया अपना ट्रैक्टर लेके इनफील्ड को कल्टीवेट करने। तो कल अपन ने फील्ड को जला दिए थे और आज बारी है उसको कल्टीवेट करने की, तो चलो चलते हैं। और ये देखो अभी अपने ट्रैक्टर में साइलेंसर थोड़ा डैमेज हो गया है तो निकाल दिया हूँ मैंने फ़िलहाल तो साइलेंसर, बिना साइलेंसर के भी ज़ोरदार मज़ा आता है। आइए साहब आइए आइए, यहाँ पर रख दिया हूँ मैंने ट्रैक्टर को ताकि थोड़ा उसका भी टेम्परेचर डाउन हो जाए और धूप भी आ गई है यारो। तो चलो एक बार आप लोग को फील्ड दिखा देता हूँ कि कैसा अपना कल्टीवेशन हुआ है। तो मित्रों ये देखो, ये रही अपनी फील्ड जहाँ पे अभी कल्टीवेशन का काम हुआ है और अभी फ़िलहाल में तो एक ही राउंड कराऊँ मतलब मैंने अभी जो नरम वाली मिट्टी है वो ऊपर आ गई है, तो इसको कुछ दिन सूखने के बाद मतलब जब ये अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद अगर फन डबल राउंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलो अभी चलते हैं अपन घर, ये धूप भी हो गई है और भूख भी लग गई है। तो दोस्तों अब बारी है इस कचरे को निपटाने की, क्योंकि ये बहुत ही बेकार कचरा है। अभी इसके फूल लग गए हैं और कुछ दिन में इसका बीज तैयार हो जाएगा, अगर इसको अभी अपन ने ख़त्म नहीं किया तो ये और फैलता ही जाएगा, इसीलिए अभी अपने पास नांगर से इसको पूरा कल्टीवेट कर देंगे यहीं पे और ये यहीं पे समा जाएगा। अगर इसका फूल बन गया, वो कपास टाइप का एक फूल रहता है मतलब ऐसे वाइट टाइप का जिसमें ऐसे रुए रहते हैं, और वो रुए जब हवा चलती है तो बहुत सी जगह में फैल जाते हैं, और वो फैलने के बाद ये देखो चारों तरफ यहाँ पे ये कचरा फैल चुका है, अगर इसको ख़त्म नहीं किया तो ये और बढ़ता ही जाएगा। तो चलो अभी इसको ख़त्म करते हैं। तो एक बार अपन नज़र डाल लेते हैं अपने ट्रैक्टर पे, क्योंकि ये रहा इतना मस्त दिख रहा है ज़ोरदार, और ये रहा अपना कल्टीवेटर। ठीक है अभी इसको सफाया करते हैं अपन, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं।